नमस्कार मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूँ। एक जरूरी सूचना देनी थी आप लोगों को, और इसके पहले भी यह सूचना मैं हमारे द्वारा दिया गया, लेकिन बहुत सारे लोगों के द्वारा हंसी उड़ाई गई। ठीक है, और कुछ लोग तो यह आरोप लगा देते हैं कि आप व्यू पाने के लिए, ठीक है, व्यू पाने के लिए आप इस तरह का वीडियो देते हैं, और कमेंट भी लोग कर रहे हैं कि बिना साक्ष नहीं है तो आप वीडियो मत बनाया करिए, बिना साक्ष के वीडियो मत बनाया करिए। मैं आपको बता दूं, अगर व्यू पाने के लिए वीडियो बनाता तो बहुत सारा नकल जानकारियां थी। ठीक है, चार चार दिन, 5 दिन, 7 दिन इस तरह से सस्पेंड नहीं रहता क्लास। ठीक है, व्यू पाने के हम कोई बहुत बड़े भूखे नहीं हैं। ठीक है, तो जो जानकारियां होती हैं वो जानकारियां दी जाती हैं। अब नहीं मानना है, जिन लोगों को यह लग रहा है कि जानकारी झूठी है तो अब वीडियो मत देखिए। ठीक है, जिन लोगों को यकीन करना है यकीन करें, जिनको नहीं यकीन करना है न करें। आप लोगों की व्यू पाने से कितना मिल जाता है बताइए, 400-500 व्यू से आपका बहुत ज्यादा, हमारा कितना, $1 भी तो नहीं बनता होगा, कुछ तो नहीं बनता है। ठीक है, तो यह इस तरह से कम से कम आरोप भी लगाइए तो ढंग का लगाइए, अस्तरहीन आरोप मत लगाया करिए। तो देखिए, दरअसल क्या है कि एक कई लोग तो साक्ष्य मांग रहे थे, हर चीज का मैं साक्ष्य देता देता फिर हूँ। आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हर चीज का जानकारी होना चाहिए, नहीं जानकारी है कोई बात नहीं है, लेकिन गला बंदा अगर कोई जानकारी दे रहा है तो उस पर थोड़ा यकीन भी आप कर सकते हैं। देखिए, हमने इसके पहले एक जानकारी दी थी कि मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर में क्या है कि जो लोग यूजीसी नेट क्वालिफाई किए हैं ना, जो लोग यूजीसी नेट क्वालिफाई किए हुए हैं और यह जो परीक्षा है यह काफी समय से पेंडिंग में रही एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो अब यह इन लोगों का मांग यह है ना, यूजीसी नेट जो नए क्वालिफाई किए हुए हैं उन लोगों का मांग ये है कि एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर को रीओपन कर दिया जाए, फिर से रीओपन हो ताकि वह भी लोग आवेदन कर पाए। और इसके लिए वह लोग ट्विटर कैंपेन भी चलाए हैं, इंदौर ऑफिस पर भी जाकर, कार्यालय पर बार बार जाकर विज्ञापन दे दिए, लगातार प्रयास किए। एक सूचना और आप लोगों को दूंगा, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 की सीरीज चल रही है, क्लास चल रहा है। आप लोग एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 का कंप्लीट कोर्स आप लोग देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाइए, बहुत सारे वीडियो है उसे देखिए, और टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए टेलीग्राम बना हुआ है। हाँ, अब आइए बात पे आते हैं कि बहुत सारे लोग जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं वह रीओपन की बात कर रहे थे कि फॉर्म रीओपन हो ताकि उन लोगों को भी मौका मिले। तो देखिए, आयोग ने क्या कहा, आयोग का जवाब क्या था, आयोग ने कहा, आयोग ने पूरी तरह से नो बोल दिया है। ठीक है, कि हम फॉर्म रीओपन नहीं करेंगे, फॉर्म रीओपन नहीं होगा, इस पर आयोग का स्पष्ट है। और देखिए, यह बहुत सारी सब्जेक्ट की जो परीक्षा आपकी 28 जनवरी को होने वाली थी, तो अब यह परीक्षा आपका कब है, अब तो यह बहुत सारे लोग जानते होंगे, इतना तो अपडेट होंगे आप लोग, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं उन लोगों को बता दो, यह परीक्षा 3-3 को है, मतलब 3 मार्च को यह परीक्षा आपकी होने वाली है असिस्टेंट प्रोफेसर की। बहुत जो सब्जेक्ट, जिन सब्जेक्ट का होने वाला था 28 जनवरी को, उन लोगों की बात बता रहा हूँ, 3 मार्च को होने वाला है। और आयोग ने और बहुत सारी जानकारियां दी है, आयोग ने कह दिया है कि 25 फरवरी को, 25 फरवरी तक हम एडमिट कार्ड जारी कर देंगे, तो प्रवेश पत्र आपका 25 फरवरी को आने वाला है, प्रवेश पत्र आपका 25 फरवरी को आपको आने वाला है। तो जो सूचना मिली है वह जानकारी दे रहा हूँ, इस तरह से घटिया आरोप मत लगाया करिए कि कहाँ से मिलता है, साक्ष्य दीजिए, साक्ष्य दीजिए, आप लोगों को साक्ष्य देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, 25 फरवरी को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, और आयोग ने रीओपन के लिए बिल्कुल मना कर दिया है, रीओपन नहीं होने वाला है फॉर्म। ठीक है, और मैंने यह भी बताया हुआ था इसके पहले कि किस सब्जेक्ट में कितने आवेदन हुए हैं, किस सब्जेक्ट में कितने आवेदन हुए हैं, आप लोग जाकर वीडियो देखिएगा, सर्च करिएगा तो मिल जाएगा आप लोग को कि असिस्टेंट प्रोफेसर मध्य प्रदेश में किस सब्जेक्ट में कितने आवेदन हुए हैं, किस सब्जेक्ट में भीड़ बहुत ज्यादा कम है, और किस सब्जेक्ट में आप लोगों को फाइट अच्छा खासा करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे ज्यादा आवेदन तो हिंदी सब्जेक्ट में हुए हैं, और हिंदी के बाद हिस्ट्री सब्जेक्ट में आवेदन हुए हैं। ठीक है, तो यह बात आप जान लीजिए। हाँ, अब यह बात कर रहे हैं कि आयोग ने आगे क्या कहा न्यू वैकेंसी के बारे में, इसी पर लोगों को खटास हो गई, और कह रहे हैं कि बिना तथ्य की जानकारी मत दीजिए, कुछ लोग कह रहा है कि पता नहीं कहाँ से बात कर रहे हैं, बिना सिर पैर की बात कर रहे हैं, स्पेलिंग सही है ना, यही होना चाहिए, देखिए क्या होता है, स्पेलिंग की जानकारी थोड़ा कम है। तो देखिए, न्यू वैकेंसी के बारे में आयोग ने क्या कहा, तो मैं आपको बता दूं, न्यू वैकेंसी के बारे में आयोग ने कहा है कि विज्ञापन तैयार हो चुका है, विज्ञापन तैयार है, उसको बहुत जल्द पब्लिश होगा नया नया वैकेंसी के लिए। अब इसी पर लोगों ने कहा कि कहाँ से आप बोल रहे हैं विज्ञापन तैयार है या वैकेंसी हो नहीं रही है। देखिए, आयोग के द्वारा, सरकार के द्वारा जो चीजें 2 साल में होने वाली रहती है ना, वह भी कहा जाता है तैयार है। ठीक है, तो यह जो आयोग के द्वारा जो जानकारियां मिली हैं वह जानकारी आप लोगों को दी रही, विज्ञापन तैयार है, और यह तैयार है तो कोई बहुत बड़ा आप लोगों के लिए अचरज की बात नहीं है। मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश में स्थायी तौर पर 4000 वैकेंसी खाली थी, 4000 सीटों पर वैकेंसी खाली थी, और इसे 2 चरणों में फिल करने वाला किया जाना था,
दो चरण में फिल होना था, दो चरण में पूरा होने वाला था भाई, दो चरण में ये वैकेंसी पूरी होने वाली थी और लगभग 4,000 पदों पर वैकेंसी थी। तो या तो 4,000 पे तो निकला नहीं है, ठीक है, 4,000 पे तो निकला नहीं है, तो यह कितना निकला है, 1,669 करीब पोस्ट है। तो यह बात आप जान लीजिए, अगली वैकेंसी आपकी आ सकती है, 1,400-1,500 की वैकेंसी और आ सकती है। इसमें जो 4,000 जो सीटें हैं उसमें से 1,000 आपका मेडिकल कॉलेज की है, मेडिकल कॉलेज आदि की है, ठीक है, मेडिकल कॉलेज की और पॉलिटेक्निक की, तो इसमें 3,000 ही मानिए। तो 3,000 चरणों में 3,000 मतलब महाविद्यालयों में 3,000 पदों पर भर्ती निकलने वाली थी, जिसमें से 1,000 जिसमें से अलग से 1,000 आपका मेडिकल और पॉलिटेक्निक के लिए था। तो कुल मिलाकर 3,000 पदों पर निकलने वाली थी, तो दो चरणों में निकलने वाला है। तो पहला चरण तो आपका 1,669 है, तो भाई एक चरण में अगर और 1,400-1,500 वैकेंसी आ जाएगी तो उसमें अचरज कौन सी बड़ी बात है कि हमने झूठ बोल दिया, गलत बोल दिया, ये बोल दिया, वो बोल दिया। आयोग ने कहा है यार, तो आएगी, हो सकता है साल भर आए, 2 साल बाद आए, 3 साल बाद आए, ना आए, लेकिन जो सच्चाई है, हकीकत है, वो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और हो सकता है कि वैकेंसी आए, ठीक है, वैकेंसी आए, क्योंकि महाविद्यालयों में काफी सीटें रिक्त हैं मध्य प्रदेश की महाविद्यालय में, और लोगों की मांग बहुत दिनों से चल रही है। जब अतिथि जो गेस्ट टीचर हैं उनकी भर्ती होने लगी, तब वहां पर किसी भी क्वालिफाइड जो स्टूडेंट थे, तब वह विज्ञापन किए, तब वह क्या बोलते हैं ट्विटर कैंपेन किए, तब वह अपने को जागरूक किए, ठीक है। तो यह बात आप जान लीजिए कि अब इसमें अब यह जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली हुई है, इसमें किसी प्रकार का फॉर्म रूपे नहीं होने वाला है, परीक्षा फिर से अपने नियत समय पर होने वाली है। तैयारी करते रहिए, पेपर वन की पूरी तैयारी हमारे द्वारा कराई जा रही है। पेपर वन में क्या है यार, पेपर वन में आपका मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश स्पेशल है और कंप्यूटर है, पूरा पेपर वन निचोड़ कर पिला दूंगा आप लोग को, ठीक है। और आप लोग को 2,000 एमसीक्यू की टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज मिलेगी, पीपीटी नोट्स मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। तो जो भी लोग हमारी सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, वो लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दर्ज है, यहाँ पर भी बता दे रहा हूँ, यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, 8318397276 ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। इसकी जो फीस है वह केवल 299 रुपया है, 299 रुपया, केवल 299 रुपया इसकी फीस है, ठीक है। तो जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं वह ज्वाइन कर सकते हैं, केवल 299 रुपया इसकी फीस रखी गई है। और 2,000 एमसीक्यू भी मिलेगा, वन लैंड सीरीज भी मिलेगा, नोट्स भी मिलेगा। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर सकते हैं, और टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा। असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इन्फॉर्मेशन के लिए मैं टेलीग्राम बनाया हूँ, तो आप सभी लोग टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और जिन लोगों का सब्जेक्ट हिस्ट्री है ना, इतिहास जिन लोगों का सब्जेक्ट है, उसकी तैयारी कराई जा रही है। मतलब मैं डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री से हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इतिहास सब्जेक्ट की तैयारी आप लोगों की कराई जा रही है, इतिहास सब्जेक्ट की तैयारी कराई जा रही है। इतिहास सब्जेक्ट की तैयारी हमारे सेकेंड चैनल हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर हो रही है, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जो लोग इतिहास वाले हैं, इतिहास सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं, वह लोग हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर जुड़ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर पूरी टेस्ट सीरीज मिल रही है यार, पूरी इतिहास की टेस्ट सीरीज मिल रही है, यूजीसी नेट की और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी के लिए। चाहे जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर हो, मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर हो, झारखंड असिस्टेंट प्रोफेसर हो, उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर हो, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग का असिस्टेंट प्रोफेसर हो, राजकीय डिग्री कॉलेज का असिस्टेंट प्रोफेसर हो, इतिहास की कंप्लीट टेस्ट सीरीज, कंप्लीट नोट्स, कंप्लीट पीपीटी आप लोग को दी जा रही है, कंप्लीट लेक्चर्स वीडियो दिया जा रहा है हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर। हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट यूट्यूब का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा असिस्टेंट प्रोफेसर का, ठीक है। और इस सीरीज को बिल्कुल आप लोग फॉलो करिएगा, यूपीएससी नेट पेपर वन के लिए आप लोग बिल्कुल जागरूक रहिए, उसकी तैयारी हमारे चैनल पर हो रही है। और यह मिथक अब मत रखिएगा, यह बहुत बुरा लगा है कि फालतू का भी गलत बोल रहे हैं, इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मत बोला करिए, कितना यार मैं मुझे गुमराह करने का इतना समय है, आप ही बताइए, मुझे आप लोगों को गुमराह करने का इतना समय है, यही रह गया है कि मैं आपको के पास आऊं और इस तरह से उल्टा सीधा इन्फॉर्मेशन दे दूं आपको, इससे मुझे क्या मिलने वाला है। मैं अपना कोर्स नहीं कंप्लीट करने के लिए मुझे जद्दोजहद करना पड़ रहा है और मेरे पास इतना टाइम है, अरे इन्फॉर्मेशन थी तो हमारे द्वारा दे दी गई, ठीक है। मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, धन्यवाद आप लोगों को।